क्वेश्चन नंबर 51, क्रूड डेथ रेट डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द रियल लेवल ऑफ मोर्टेलिटी बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, जो वन ईयर से कम एज वाले पॉपुलेशन है उनके मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाएगी। 0 to 4 ईयर्स के ड्यूरेशन में जो मोर्टेलिटी होगी उसको अंडर 5 मोर्टेलिटी, और 15 to 49 ईयर्स के इस एज ग्रुप को मैटर्नल रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है। तो CDR का रिफ्लेक्शन रियल लेवल ऑफ मोर्टेलिटी इस पर नहीं होगा बिकॉज ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना PMJAY। इस PMJAY को आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को हुई थी। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर सर्जरीज एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड सर्विसेज ये तो इंक्लूडेड है, बट काउंसलिंग सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प इकोनॉमिकली वल्नरेबल इंडियंस हु आर इन नीड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द पॉपुलेशन नॉर्म फॉर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM। इसके अंडर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर UPHC कहा जाता है इसे 50,000 to 60,000 का नॉर्म इसमें होता है। आंसर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, ये मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। यहां पर आप देख सकते हैं मैचिंग किया हुआ है। इनपुट संकेत मींस इनपुट प्रोसेस सेकंड नंबर से हो जाएगा, गर्भ निरोधक गोलियों की समय पर आपूर्ति, प्रोसेस संकेत प्रशिक्षित और कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की संख्या, तो ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया। इसके बाद आता है आउटपुट संकेत, तो आउटपुट क्या होगा, संस्थागत प्रदायगी में वृद्धि, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और आउटकम क्या होगा, प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु में कमी, ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ड्यूरिंग डिलीवरी। तो आंसर कौन सा होगा, A2, B3 यहां पर हो रहा है सेकेंड नंबर में, A2, B3, C1 and D4 आंसर 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किस देश का स्रोत क्षेत्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में सर्वाधिक हिस्सा रहा, मैक्सिमम माइग्रेशन 2017 और 18 इन दोनों में भारत का रहा है। यहां पर 5 कंट्रीज का अरेंजमेंट है, टॉप पर इंडिया है, मेक्सिको सेकंड पर, रशिया थर्ड, चाइना फोर्थ एंड बांग्लादेश 5th नंबर। ये माइग्रेशन रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग डेटा अरेंज है। क्वेश्चन नंबर 56, मच ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द इनइक्विटीज ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली ग्रीड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ पॉवर्टी, दिस व्यू पॉइंट कैन बी बेस्ड एट्रिब्यूटेड टू विलियम गॉडविन। ये आपको याद रखना चाहिए, इसका आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इन ए लाइफ टेबल TX रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ ईयर लिव्ड बियॉन्ड एज X एंड इज सिंबोलिकली रिटन एज। यहां पर TX का डेफिनेशन दिया हुआ है कि TX लाइफ टेबल में क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बियॉन्ड एज X व्हिच इज मैथमेटिकली डिनोटेड बाय दिस, TX इज इक्वल टू TX+1+LX आंसर 1 सही हो जाएगा। लाइफ टेबल में जो कॉलम होते हैं X, LX, DX, QX, Capital LX, TX and EX ये सारे होते हैं, टोटल 7, जिसमें X एज को बताता है, एज X, LX रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल या पॉपुलेशन ऑफ द लाइफ टेबल कहा जाता है, DX डेथ बिटवीन एज इंटरवल X to X+1, QX प्रोबेबिलिटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बिटवीन एज X to X+1, LX ये बताता है पर्सन ईयर्स लिव्ड बिटवीन X to X+1, और TX का जो डेफिनेशन है यहां पर लिखा हुआ है, और EX बताता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ।
क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इन दोनों पर बेस्ड होता है, बट डेटा में ये वेरिएबल हिडन टाइप का होता है जो एक रोबस्टनेस का रोल प्ले करता है। आप यहां पर देख सकते हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। ए कंफाउंडर इज ए वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस बोथ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजिंग स्पूरियस एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 59, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। ए बी सी और डी फोर टाइप्स के स्टडीज यहां पर मेंशन है जिनको उनके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी ये आप देख सकते हैं थर्ड से कनेक्टेड हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड द इफेक्ट्स आर मेड एट सेम टाइम। एनालिटिकल स्टडी, द स्टडी एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन द हेल्थ स्टेटस विथ अदर वेरिएबल्स। केस कंट्रोल स्टडी फर्स्ट से, पर्पज इज टू इन्वेस्टिगेट रिस्क फैक्टर्स टू द डिजीज, एंड डी है कोहार्ट स्टडी मेजर द इंसिडेंस ऑफ डिजीज ओवर टाइम। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ए का थर्ड फर्स्ट में मिल रहा है, ए का थर्ड बी फोर सी वन एंड डी टू, आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट में एज स्ट्रक्चर के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन का यूज करते हैं, मतलब उनके एज स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, आंसर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एसर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। फैमिली लिटरेसी इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव टू मेक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन फर्टिलिटी, ये एसर्शन है। इसका रीजन है, इफ वुमेन आर लिटरेट देयर मैरिजेस विल बी डिलेड एंड देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर विल चेंज एंड दे विल हैव ऑप्टिमल टोटल फर्टिलिटी। एसर्शन तो सही है ही है, इसका जो रीजन है ये भी परफेक्ट है और इस एसर्शन को सपोर्ट भी करता है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लिखा हुआ है। प्रोसेस एंड आउटपुट इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रोसेस और उसका क्या आउटपुट आया ये इंडिकेटर होना जरूरी है। फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा सही। मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स आर अवेलेबल इन प्रोग्राम रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। आउटकम एंड इंपैक्ट इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोग्राम इवेल्युएशन, ये इवेल्युएशन के लिए आउटकम और इंपैक्ट इन दोनों इंडिकेटर का यूज होता है। बट फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है, आउटकम एंड इंपैक्ट इंडिकेटर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स, ये मॉनिटरिंग रिकॉर्ड से आउटकम और इंपैक्ट ये कैलकुलेट नहीं होता है। मॉनिटरिंग रिकॉर्ड कैसे आया? प्रोग्राम की कुछ इनपुट हुई, उसकी प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होने के बाद उसके आउटपुट को रिकॉर्ड कर लिया गया, तो इसके बेसिस पर ही प्रोग्राम का आउटकम और इंपैक्ट इन दोनों के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही नहीं होगा। आप यहां पर देख सकते हैं प्रोग्राम का जो अरेंजमेंट होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट आउटकम एंड देन इंपैक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन 2011। यहां पर ऑप्शन टू सही हो जाएगा, एन सिटी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव एंड पुदुचेरी। इसका अरेंजमेंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यूटी और स्टेट ओवरऑल अगर हम देखें तो दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो 97.5% के साथ सबसे मैक्सिमम अर्बन स्टेट रहा है। इसके बाद नंबर आता है चंडीगढ़ का 97.3%, देन दमन दीव 75.2% एंड पुदुचेरी 68.3% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यहां पर टोटल यूटीज के ही बारे में ऑप्शन दिया हुआ है तो आंसर तो टू हो जाएगा, बट स्टेट और यूटी अगर दोनों में दिया हो तो भी दिल्ली सबसे ऊपर होगा और
ओनली स्टेट की अगर हम बात करें तो गोवा सबसे ऊपर होगा 62.2%। क्वेश्चन नंबर 64, इन द इक्वेशन आई इक्वल टू पी ए टी विच लेटर रिप्रेजेंट इनकम। यहां पर इनकम जो वर्ड लिखा हुआ है इसको लेटर ए रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आई का मतलब होता है इंपैक्ट, पी होता है पॉपुलेशन, ए होता है एफ्लुएंस विच इज ऑल्सो मीन्ट फॉर वेल्थ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इनकम, एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। इस I इक्वल टू पी ए टी इस फॉर्मूले को पॉल एहरलिच एंड एन ए एहरलिच ने प्रपोज किया था। इनके बारे में एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 1968 में पॉपुलेशन बॉम्ब करके एक बुक आई थी जिसके ऑथर पॉल एहरलिच एंड एन ए एहरलिच ये दोनों हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। क्वेश्चन 65 से 69 तक ये इस डेटा के ऊपर बेस्ड है जिसमें आपको दिख रहा है हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, मॉडल वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द सन इज, यहां पर स्टैटिस्टिकल मेजर की बात हो रही है जिसमें सन के हाइट की मॉडल वैल्यू बताना है। तो मॉडल वैल्यू इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हाइट की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहां पर अरेंज्ड है 68 फोर टाइम्स, 67 वन टाइम्स, 66 टू टाइम्स एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 68 की। तो इसमें आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सन के हाइट का डेटा ये है 68 68 68 एंड 68, ये फोर टाइम्स था और बाकी सारे इससे कम है। क्वेश्चन नंबर 66, कोरिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड सन। यहां पर आप देख सकते हैं कि फादर के हाइट के कुछ डेटा दिए हुए हैं और सन के हाइट के भी डेटा दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच जो कोरिलेशन होगा इस फॉर्मूले से प्राप्त होगा, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे फर्स्ट बात यह है कि आप इस क्वेश्चन को कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप इस फॉर्मूले का यूज करके अलग अलग कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, फिर डिवाइड करिए और कोरिलेशन की वैल्यू निकालिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर यह डिपेंड क्वेश्चन है। आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फादर और सन के बीच का जो कोरिलेशन है वो इन चार में से कौन सा सही होगा। तो चूंकि हाइट का मामला है निगेटिव तो पहली बात नहीं होगा, दूसरी चीज कि परफेक्ट कोरिलेशन क्वेश्चन के हिसाब से ये भी नहीं होगा, और चूंकि कोरिलेशन -1 से +1 इसके बीच होता है, यहां पर कोरिलेशन निगेटिव की बात हो ही नहीं रही है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव विथ वैल्यू लेस देन 1 होगा। मतलब इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो इसमें आंसर कॉन्सेप्चुअली थर्ड नंबर सही हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा है हाइट ऑफ सन विल इंक्रीज विद हाइट ऑफ फादर। क्वेश्चन नंबर 67, मीडियन वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द सन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सबसे पहले मीडियन का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। सो इफ वी अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मीडियन वैल्यू गिव्स मीडियन। यहां पर मैंने सन के हाइट के जो डेटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, इसके बीच में आपको दिख रहा है कि दो वैल्यू आ रहा है क्योंकि टोटल इवन नंबर है। आप जब इसको काउंट करेंगे ये टोटल 12 डेटा हैं, तो मिड के जो टू वैल्यूज होंगे उनका मीन मीडियन क्या हो जाएगा, 68 + 68 / 2 = 68। आंसर फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, रिग्रेशन इक्वेशन बिटवीन द हाइट ऑफ फादर एंड सन इज। ये रिग्रेशन इक्वेशन है y इक्वल टू 35.8 + 48x, वेयर y इज इक्वल टू हाइट ऑफ सन एंड x दैट ऑफ फादर। यहां पर फादर के हाइट को x से और सन का हाइट y है इससे डिनोट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इक्वेशन। आपको कोई रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, ये यहां पर फाइंड करके दिया हुआ है,
इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन देना है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है हाइट ऑफ सन इंक्रीजेस विद हाइट ऑफ फादर। एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वाई भी इंक्रीज करेगा, मीन्स हाइट ऑफ सन इंक्रीज विद हाइट ऑफ फादर, ये ऑप्शन सही होगा। एंड हाइट ऑफ सन इंक्रीजेस बाय 0.48 इंचेस पर इंच इंक्रीज इन हाइट ऑफ फादर। तो इसमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो रेगुलेशन इक्वेशन होता है, इस b का डेफिनेशन ही होता है कि यूनिट चेंज को बताता है। तो फादर के हाइट में अगर पर इंच का इंक्रीमेंट होगा तो सन के हाइट में भी इंक्रीमेंट जरूर होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी सही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ए और बी ऑप्शन टू में सही है, 1, 3, 4 ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यूनिट चेंज इन वाई इज डिटरमाइंड बाय द यूनिट चेंज इन एक्स, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बी ऑप्शन सही होगा। तो ए और बी दोनों जब सही होगा तो ऑप्शन टू सही हो जाएगा। यहां क्वेश्चन नंबर 69, ये रेंज पूछा गया है यहां पर सन के हाइट का। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सन के हाइट में जो मिनिमम वैल्यू है वो 65 है और मैक्सिमम वैल्यू 71 है। तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये हो जाएगा कि रेंज की जो वैल्यू होगी 71 माइनस 65 इंच और 65 टू 71 इंच भी हो जाएगा। इसमें आंसर 2 और 3 ये दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अबव 60 इन 2011 सेंसस। इसमें ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, एज 60 प्लस इयर्स की जो पॉपुलेशन थी 8.3%। यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आप यहां से नोट कर सकते हैं, 0 टू 14 इयर्स का जो पॉपुलेशन है वो 29.5%, 60 प्लस इयर्स का मैंने बता दिया और 65 प्लस इयर्स का जो पॉपुलेशन है वो 5.3%। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच लार्ज स्टेट हैज द सेकंड लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन 2016 एज पर एसआरएस डेटा। ये क्वेश्चन जून 2019 का है और उसमें 2016 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इस क्वेश्चन को हम लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं एज पर एसआरएस 2018 आईएमआर केरला का सबसे मिनिमम है, इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, तमिलनाडु एंड देन पंजाब। क्वेश्चन में सेकंड लोएस्ट स्टेट की बात हो रही है जो यहां से किसी में भी मैच नहीं हो रहा है, एक्चुअली में तमिलनाडु दिया है लेकिन ये थर्ड नंबर पर हो रहा है, उस टाइम किसी भी नंबर पर होगा लेकिन हम 2018 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन सर्च किया जाएगा, इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप इस डेटा को यहां से नोट कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि एसआरएस का जो रिपोर्ट पब्लिश होता है एसआरएस बुलेटिन, उसमें टोटल बिगर स्टेट 21 होते हैं, स्मॉलर स्टेट 9 और यूटीज 6। आप इस डेटा को बिल्कुल याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, टू ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट टू एम्फसाइज दैट बर्थ रेट्स इन टू पॉपुलेशन ग्रुप्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड अनलेस। यहां पर टू पॉपुलेशन ग्रुप्स के बर्थ रेट के कंपैरिजन की बात हो रही है कि विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो सी और डी में आपको दिख रहा है ऑप्शन टिक किया हुआ है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ ऑल पैरामीटर्स विच आर एक्सट्रेनस टू बर्थ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ एंड ऑल पैरामीटर्स विच आर एक्सट्रेनस टू बर्थ आर स्टैंडर्डाइज्ड, देयर इफेक्ट इज एडजस्टेड एंड मेड कॉमन। यहां से आंसर सी और डी हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंस माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, ये दो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ए और बी। क्वेश्चन नंबर 74, इन ऑर्डर टू कंप्यूट नेट रिप्रोडक्शन रेट विच ऑप्शन ऑफ डेटा एमंग द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड। नेट रिप्रोडक्शन रेट के केस में आपको सेक्स रेशियो एट बर्थ चाहिए होता है, सेक्स रेशियो इन रिप्रोडक्टिव एज भी चाहिए, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी चाहिए, इसके अलावा मोर्टलिटी का भी डेटा रिक्वायर होता है, इसमें लाइफ टेबल का डेटा जरूरी नहीं है। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 75, विच लार्ज स्टेट
in India has the highest percent of urban population in 2011 census. यहाँ पर लार्ज स्टेट की बात हो रही है, इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड केरला, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अर्बन पॉपुलेशन के परसेंटेज को यहाँ मेंशन किया हुआ है। गोवा 62%, तमिलनाडु 48%, केरला 47% एंड गुजरात 42%। चूंकि स्टेट की ही बात पूछी जा रही है और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ये गोवा का है, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है और यहाँ गोवा ना दे करके ओनली तमिलनाडु है, इसलिए आंसर आपका सेकंड हो जाएगा सही। अब यूटी की बात करते हैं, तो स्टेट और यूटी इन दोनों में दिल्ली सबसे ऊपर है 97.5%, उसके बाद चंडीगढ़ का नंबर आता है 97.3%, फिर लक्षद्वीप, ये तीन यूटीज हैं, इसके बाद स्टेट का नंबर आता है। तो ओवरऑल दिल्ली सबसे ऊपर है अर्बन पॉपुलेशन में, और अगर ओनली स्टेट की बात करें तो गोवा सबसे ऊपर है 62%, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है, जिसको ए बी सी और डी, इनमें से सभी को लिस्ट टू से 1, 2, 3 और 4 से मैच करना है। यहां पर आपको फर्स्ट में दिख रहा है अवैध प्रवासी, इनलीगल माइग्रेंट, इसका मतलब होता है आधिकारिक समय सीमा से अधिक तक ठहरना। सेकेंड नंबर है ब्लैक प्रवासी, मतलब फोर्स माइग्रेंट, ये होता है दास व्यापार। शरणार्थी मीन्स रिफ्यूजी, एक एग्जाम्पल के तौर पर तुर्की में सीरियाई लोग, आप यहां से समझ सकते हैं कि शरणार्थी का मतलब यही होगा। और स्वैच्छिक प्रवासी का मतलब, ये भी एक फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन वन में दिया हुआ है, यूरोप के लोगों का विश्व के विभिन्न भागों को प्रवर्जन, मतलब माइग्रेशन। तो ए का 4, बी का 3, यहां पर देखिए एक ऑप्शन में मिल रहा है A4, B3, C2 एंड D1, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, ये एक स्टेटमेंट है, ईच सोसाइटी एट ईच पॉइंट इन हिस्ट्री हैज इट्स ओन लॉ ऑफ पॉपुलेशन, द स्टेटमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है, इसमें ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, ये भी एक मैचिंग प्रॉब्लम है, जिसमें लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। ए बी सी और डी, ये 4 टाइप्स के फर्टिलिटी रेट हैं, जिनको लिस्ट टू में दिए हुए अलग अलग कॉन्सेप्ट से मैच करना है। टोटल फर्टिलिटी रेट एज स्पेसिफिक वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एजेस, इसमें यूज होता है, ए का 3rd हो जाएगा। टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, आप यहां पर देख सकते हैं ये 4 से मैच हो रहा है, एज स्पेसिफिक मैरिड वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज। जनरल फर्टिलिटी रेट ये 2nd से हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। एंड जो लास्ट बच जाएगा क्रूड बर्थ रेट, ये टोटल पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, A3, B4, यहां पर एक ही में मिल रहा है A3, 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, A3, B4, C2 एंड D1। क्वेश्चन नंबर 79, इन हजनाल्स सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज इस मैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस डज नॉट होल्ड। सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज, जिसका कॉन्सेप्ट हजनाल ने 1953 में दिया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उनके द्वारा दिए गए एजम्पशन को याद होना जरूरी है। तो इसमें 1st, 2nd और 4th, ये 3 एजम्पशंस होल्ड करेंगे, लेकिन 3rd ऑप्शन में जो एजम्पशन लिखा हुआ है ये होल्ड नहीं करेगा। फर्स्ट एजम्पशन जो होल्ड करेगा वो नो चेंज इन मैरिज पैटर्न होना चाहिए, नो मोर्टेलिटी डिफरेंशियल्स बाय मल्टीपल स्टेटस होना चाहिए, और नो माइग्रेशन डिफरेंशियल्स बाय मल्टीपल स्टेटस होना चाहिए। इसमें जो एजम्पशन होल्ड नहीं करेगा, नो चेंज इन एज स्ट्रक्चर, ऑप्शन 3rd हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 80, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लाइफ टेबल के ऊपर बेस्ड है। आपको यहां पर कुछ कॉलम दिए हुए हैं और इसके बाद एक न्यूमेरिकल कंडीशन को देते हुए इसमें किस टाइप का फॉर्मूला यूज होगा आपसे पूछा जा रहा है। गिवन एन एवरेज लाइफ टेबल विथ इट्स यूजुअल कॉलम्स ऑफ LX, NQX, NLX, TX एंड EX, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल फ्रॉम 60 to 85 ईयर्स ऑफ एज। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल रेशियो होता है वो रेडिक्स का डिफरेंट एज ग्रुप पर रेशियो होता है। यहां पर आप देख सकते हैं
इसमें 60 to 85 ईयर्स पूछा गया है, आंसर L85 डिवाइडेड बाई L60 हो जाएगा, मीन्स टोटल पॉपुलेशन एट एज 85 डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन एट एज 60। क्वेश्चन नंबर 81, ये भी एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। ए बी सी और डी में कुछ सोर्स ऑफ डेटा दिए हुए हैं, जिसको लिस्ट टू में दिए हुए उनके सोर्सेज से मैच करना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये यहां से पब्लिश होता है। डेमोग्राफिक सर्वे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज, ये थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। सर्विस स्टैटिस्टिक्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से पब्लिश होता है। और कवरेज इवेल्युएशन सर्वे CES यूनिसेफ से होता है। तो इसमें करेक्ट मैचिंग A4, B3, C2 and D1, यहां पर एक ही में मैच हो रहा है A4, इसके बाद B3, C2 and D1, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 82, अर्बन ट्रांजिशन इन द लेस्ट डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिफर्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन विच रेस्पेक्ट, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है द स्केल एंड प्लेस आर अनप्रेसिडेंटेड, ये तो करेक्ट है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू अर्बन ग्रोथ, ये नहीं होगा। अर्बन ग्रोथ के लिए नेचुरल इंक्रीज मेन कॉज होता है, जिसमें नेचुरल इंक्रीज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ, ये होता है। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू अर्बन ग्रोथ, बी ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद सी ऑप्शन है, देयर इज ए मिसमैच बिटवीन एवरेज इनकम लेवल्स एंड पेस ऑफ अर्बन ट्रांजिशन, ये भी बिल्कुल क्लियर है कि वर्ल्ड के डेवलप पार्ट में एवरेज इनकम लेवल का भी मिसमैच देखने को मिलता है। नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ अर्बन ट्रांजिशन इज मोर लिंक्ड विथ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ देन बिफोर, ये डी भी होगा सही, लेकिन बी इसमें सही नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए सी एंड डी, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ए सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 83, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन साइज इन 2015 एज पर वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे अर्बन मेगा सिटी टोक्यो है, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, फिर संघाई एंड देन बीजिंग मुंबई एंड उसके बाद मैक्सिको सिटी का नंबर आता है। तो इसमें ये दोनों तो नहीं है, बाकी ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन स्लम्स इन 2011 सेंसस, 2011 के अकॉर्डिंग अर्बन स्लम पॉपुलेशन 17.4% था, जो इस कैटेगरी में डिफाइन होगा 15 to 19.9। टोटल नंबर ऑफ स्लम्स 2613। कुछ स्टेट और यूटीज हैं जहां पर स्लम रिपोर्ट नहीं किया गया था, मणिपुर, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड लक्षद्वीप, ये चार स्टेट ऐसे हैं जिसमें यूटी भी शामिल है। यहां पर 2011 सेंसस में कोई भी स्लम रिपोर्ट नहीं किया गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, 17.4% इसका अर्बन स्लम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से कोई एक फॉल्स है। द पीरियड प्रिवेलेंस रेट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड देन द पॉइंट प्रिवेलेंस रेट, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि प्रिवेलेंस रेट हम पहले पॉइंट पर ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर पीरियड प्रिवेलेंस रेट, इसको पॉइंट प्रिवेलेंस रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस ऑप्शन में दिया गया है। तो बाकी ये 2, 3 और 4, ये तीनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 86, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स लिव्ड आफ्टर एज एक्स इन ए लाइफ टेबल इज कैलकुलेटेड एज, टोटल नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स लिव्ड, इसको टी एक्स से डिनोट करते हैं, और ये पर्सन ईयर्स लिव्ड के कॉलम का टोटल सम होता है, आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 87, एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ लेस देन 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, बिल्कुल
करेक्ट मैचिंग है. न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट यह होता है डेथ ऑफ इन्फेंट लेस देन 29 डेज. पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट फ्रॉम 29 टू 364 डेज. और अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी यह नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट लेस देन 7 डेज. तो इसमें ऑप्शन होगा ए का 3, यहां पर एक ही मैच हो रहा है, A3, B1, C4 एंड D2. ऑप्शन 3 सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 88, ये भी एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है. फर्स्ट ऑप्शन है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल फेमस बुक है. 1798 में रॉबर्ट मार्थस के थ्रू ये बुक पब्लिश किया गया था. बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी 1662, जॉन ग्राउंड. लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, ये मीडोस के द्वारा पब्लिश किया गया था, लेकिन यहाँ पर पी एहरलिच एंड एन ए एहरलिच इन दोनों का नाम लिखा हुआ है. इस पर हम बाद में आएंगे, पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं. द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये जी हार्डिन. जो लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में आया था, इसका कनेक्शन पॉल एहरलिच एंड एन ए एहरलिच इनके द्वारा पब्लिश किए गए पॉपुलेशन बॉम्ब जो 1968 में आया था बेस्ड है, और ये दोनों बुक आपस में कंट्रोवर्सी फॉर्म करती थी. इसलिए यहां पर लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी का एक्चुअल कनेक्शन मीडोस के द्वारा हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये कंट्रोवर्शियल मामला था इसलिए इस ऑप्शन में पी एहरलिच एंड एन ए एहरलिच के साथ में दिया हुआ है. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, A2, B1, C4 एंड D3. यहां पर थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है A2, B1, C4 एंड D3. ऑप्शन 3 सही हो जाएगा. यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है दीज टू बुक्स मेड सो मेनी कंट्रोवर्सीज बिटवीन एहरलिच एंड मीडोस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 89, गिवन सेंसस पॉपुलेशन ऑफ यूपी फॉर 2011, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी लेवल्स फॉर 2018 एंड माइग्रेशन ड्यूरिंग वेरियस डिकेड्स, Which of the following components need to be projected for projecting UP population to the year 2021 के लिए UP के population projection को find करने के लिए आपको fertility, mortality and migration इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, but वो recent data से होने चाहिए. यहाँ पर मैंने mention भी किया हुआ है the migration data may be extracted From most recent census 2011. तो इसमें आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्टिलिटी मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 90, फाइंड द ऑड वन आउट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव व्यू पॉइंट्स ऑफ पॉपुलेशन डेवलपमेंट इंटर रिलेशंस. मतलब कि इन चार ऑप्शन में जो नाम दिए हुए हैं, इनमें जो पॉपुलेशन और डेवलपमेंट इन दोनों के इंटर रिलेशन पर जिन्होंने व्यू पॉइंट दिए थे उनसे कौन सा ऑप्शन अलग है. यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ईस्टर बोसरब, इन्होंने डिफाइन किया था इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो कि पॉपुलेशन पर बेस्ड था. कोलिन क्लार्क, इन्होंने दिया था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लैंड यूज. और जूलियन सीमन, अल्टीमेट रिसोर्स, ये 1981 में. तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, रॉबर्ट वेलास, जो इन तीनों से डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 91, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट मैच विथ मर्केंटलिस्ट व्यू पॉइंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ मर्केंटलिस्ट का सबसे मेन व्यू पॉइंट्स था, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन यहां पर दिख रहा है आपको, पॉपुलेशन ग्रोथ इज इसेंशियल फॉर इंक्रीज इन नेशनल रेवेन्यू. ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकलकर आता है. एक्सपेंडिंग ट्रेड, ये रेवेन्यू से ही रिलेटेड है. और पेनाल्टीज फॉर नॉन मैरिज, ये भी मर्केंटलिस्ट से रिलेटेड है. इमिग्रेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन यहां पर दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन. तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट का इनका मेन व्यू पॉइंट था, इसलिए ये अपने यहां इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करके रखे थे. इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं था. यहां पर ऑप्शन रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इससे मैच नहीं होगा. आंसर 3 सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड इन लाइट टेबल कंस्ट्रक्शन. ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको यहां पर दिख रहा है तीन ऑप्शन यूज होते हैं.
ये लेस्लीज मेथड यूज नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द लेवल ऑफ पॉपुलेशन सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन टू सही हो जाएगा, 942-949। करेक्ट पॉपुलेशन सेक्स रेशियो 943 है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शुड बी प्रीफर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2015। एज्यूम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी आर नॉट अवेलेबल। इसमें चार जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उसमें मोस्ट सुटेबल आपका थर्ड होगा, टिक मैंने पहले से किया हुआ है, एस्टिमेट द एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर द पीरियड 2001-2011 सेंसस। यूज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोजेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम 2011-2015। मींस कि 2001 से 2011 के ड्यूरेशन में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, उसको एस्टिमेट करेंगे और उस एस्टिमेट का यूज हमें 2011 से 2015 के ड्यूरेशन में प्रोजेक्शन प्राप्त करने के लिए यूज करना होगा। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95, विच लार्ज स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ एससी एसटी पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। इसमें छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा, ऑप्शन वन। इस पेपर में क्वेश्चन 96 से 100, ये फाइव क्वेश्चंस इस डेटा के ऊपर बेस्ड हैं, जो सेंसस 1901 टू 2011 तक के डेटा हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो। इस टेबल को मैंने जून 2019 के पेपर के सॉल्यूशन का फर्स्ट सीरीज में डिफाइन किया था, एक उसमें क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसी टेबल का यूज किया था। पहले इस टेबल को हम समझ लेते हैं, उसके बाद 96 टू 100 इन पांच क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 1901 से 2011 टोटल 12 ईयर्स के डेटा पॉइंट दिए हुए हैं। पॉपुलेशन इन मिलियन, डिकेडल ग्रोथ रेट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। यहां पर एक सेक्स रेशियो भी लिखा हुआ है जो मैक्सिमम 972 1901 में था और ये डिक्रीज होता रहा इंडिपेंडेंस के बाद। सेंसस 1951 में इसमें प्लस वन का इंक्रीमेंट हुआ, इसके बाद आगे के समय में चलते चलते ये कुछ फ्लक्चुएशन इसमें होता रहा और अभी 2011 में ये 943 है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट भी आपको यहां पर दिख रहा है, मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि 1981 में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट सबसे मैक्सिमम था और डिकेडल ग्रोथ रेट 71 में था सबसे मैक्सिमम 24.8% और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट 2.22%। इसमें एक माइनस में ग्रोथ रेट आता है जो डिकेडल और एक्सपोनेंशियल दोनों है। ये हुआ था 1921 में। 1911 से 1921 के बीच पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होने के बजाय डिक्रीज हो गया था। इसमें टोटल डिकेडल ग्रोथ रेट -0.31% और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट -0.03% था। आपको ये परसेंटेज भी याद होना चाहिए। इसी वजह से इस 1921 के सेंसस को इंडियन सेंसस के हिस्ट्री में ग्रेट डिवाइड ईयर ऑफ द सेंसस कहा जाता है। ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू इस टेबल के ऊपर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 96 लिखा हुआ है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड सेंसस डिकेडल ग्रोथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अभी मैंने ऊपर में इस टेबल को एक्सप्लेन भी किया है, डिकेडल ग्रोथ रेट की बात हो रही है कि सबसे मैक्सिमम 1971 में था और किस ईयर से डिकेडल ग्रोथ रेट में डिक्रीमेंट स्टार्ट हुआ। और यहां ऑप्शन 21, 31, 11, 21, 41, 51 एंड 71, 81 लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट 1971 में 24.8% था और 71 से 81 के ड्यूरेशन में ये 24.66% था। यहां पर आप देख सकते हैं 81 के अगेंस्ट में दिया हुआ है, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 97,
In which of the following years national rate of population growth was maximum? अभी मैंने explain किया national rate of population growth ये 1971 में था, यहाँ पर decadal growth की बात हो रही है actually. Option 2 सही हो जाएगा. Question number 98. During which of the following decades rates in change of sex ratio has been highest compared to the preceding decades? Means कि जो sex ratio में change आया उसमें मैक्सिमम परसेंटेज किस डिकेड में था? 2001 2011 1921 1931 1121 and 8191. आप यहां पर टेबल में देख सकते हैं सेक्स रेशियो में जितने भी चेंजिंग आया उसमें सबसे मैक्सिमम जो डिफरेंस था वो यहां था 10 पॉइंट का, 933 से 943. ये 2001 से 2011 के बीच इंक्रीज हुआ. तो रेट ऑफ चेंज भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2001 से 11 के बीच आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 99. ड्यूरिंग विच ऑफ द डिकेड्स गिवन बिलो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन क्रूड डेथ रेट टुक प्लेस. क्रूड डेथ रेट में मैक्सिमम डिक्लाइन की बात हो रही है. ऑप्शन टू यहां पर टिक किया गया है 1921 से 1931 के बीच दिस पॉइंट. तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और एक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है. आप यहां से अलग से और भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. तो इंडियन सेंसस में क्रूड डेथ रेट का जो मैक्सिमम डिक्रीमेंट हुआ वो 1921 से 31 के बीच में. पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन क्रूड बर्थ रेट टुक प्लेस. ये 1991 से 2001 के बीच में था दिस पॉइंट. तो आपको एग्जामिनेशन में इन सभी को माइनस करके नहीं चेक करना है. जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में, इसके अगेंस्ट में जो क्रूड बर्थ रेट है बस उतने ही क्रूड बर्थ रेट को यहां पर कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिक्लाइन किस डिकेड में हुआ. तो यहां पर इस टेबल के अकॉर्डिंग जो फैक्ट डेटा भी है ऑप्शन टू सही हो जाएगा करेक्ट. तो यूजीसी नेट के जून 2019 के पेपर का ये क्वेश्चन 51 से 100 तक के आंसर की का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है. इस सीरीज में ये वीडियो का पार्ट टू था. क्वेश्चन 1 से 50 तक के आंसर की का जो वीडियो है उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे किसी भी एक्टिविटी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए. वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद.